परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। ये उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं को अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हमसे दूर दूर रहते थे, आज वो आने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया। वो हमारे साथ व्यापार की बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बातें करना चाहते हैं, हमारे सुरक्षा के तकाजों के बारे में उनमें एक नई समझबूझ पैदा हुई है। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था, मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था, क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा।